जो अभ्यास प्रश्न करेंगे, अभ्यास प्रश्न में देखिए, कविता में किन किन मिठाइयों के बारे में बताया गया है? तो कविता में खस्ता खाजा, हलवा, गट्टे, रसगुल्ले, पुआ सवारी, इन तमाम मिठाइयों के बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे खस्ता खाजा, शक्करपारा, खट्टे, हलवा, पोहा सुहारी, कुसली, रसगुल्ले। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं, सबसे मीठा किसे बताया है और क्यों? तो कविता में सबसे मीठा किसे बताया गया है? बोल को बताया गया है, क्योंकि सबसे मीठा बोल को बताया गया है क्योंकि व्यक्ति अपने मीठे बोल से किसी का भी मन जीत सकता है। आम को निराला क्यों कहा गया है? तो आम को निराला क्यों कहा गया है? क्योंकि जो आम का रसीला स्वाद है या जो मीठा स्वाद होता है, आम का जो रसीला मीठा स्वाद है वो सबसे अलग होता है, इसलिए आम को निराला कहा गया। आम का मीठा रसीला स्वाद सबसे अलग होता है, इसलिए आम को निराला कहा गया है। आपको कौन कौन से फल मीठे लगते हैं? जो फल आपको मीठे लगते हैं वो लिख सकते हैं। यदि हम मीठा बोलना शुरू कर दें तो क्या होगा? सबसे लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा। तो जो भी आपके अनुभव है वो लिख सकते हैं। रसगुल्ले का नाम रसगुल्ला क्यों पड़ा? क्योंकि वो गोल होता है और रस में डूबा रहता है, शायद उसका नाम इसीलिए रसगुल्ला पड़ा होगा। मीठा बोलने से हमें क्या लाभ होता है? क्योंकि मीठा बोलने से सभी व्यक्ति हमें अच्छा कहेंगे और हमारी प्रशंसा करेंगे, वो हमसे खुश रहेंगे। आगे प्रश्न देखिए बच्चों, इस सूची को ध्यान से देखें। इसमें फलों के नाम दे रखे हैं और उनके सामने एक रंग का कॉलम दे रखा है। आपने फल का नाम पढ़कर उसके सामने उसका रंग लिखना है। जैसे पहला फल है संतरा, तो संतरे का रंग कौन सा होता है? नारंगी। तो आप यहां लिख देंगे नारंगी। दूसरा फल है बेर, तो बेर का रंग कैसा होता है? हरा। तो यहां पर आप हरा लिख देंगे। अंगूर, अंगूर का रंग कौन सा होता है? हरा। तो आप हरा लिख देंगे। अनार, अनार का रंग कौन सा होता है? लाल होता है। तो आप लाल लिख देंगे। पपीता पीले रंग का होता है, तो आप पीला लिख देंगे। आलू बुखारा लाल होता है, तो आप यहां पर लाल रंग लिख देंगे। आइए बच्चों, मीठा होता हलवा ताजा, हलवा किन किन चीजों से बनाया जाता है? तो हलवा किस चीज से बनता है? सूजी से, चीनी, घी और उसमें सूखे मेवे जो पड़ते हैं, काजू, बादाम, किशमिश, तो इन चीजों से बनाया जाता है। तो आप लिख देंगे सूजी, घी, चीनी और काजू। मीठे होते गन्ने गोल, गन्ने से क्या क्या चीजें बनती हैं? बच्चों गन्ने से गुड़ बनता है, शक्कर बनती है, चीनी बनती है और जो खांड होती है। इसके अलावा बच्चों भाषा की बात करते हैं, क भाग देखिए इसमें। मीठा होता खस्ता खाजा, जैसे मीठी होती पुआ सुहारी। यहां खस्ता खाजा के लिए मीठा और पुआ सुहारी के लिए मीठी शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें भी इसी तरह से प्रयोग करके लिखे। अब जैसे पीला कपड़ा, पीली पैंट, इसी तरह से आप लिख सकते हैं मोटा कागज, मोटी किताब, या फिर आप लिख सकते हैं मोटा आदमी, मोटी औरत, इसी तरह से छोटा भाई, छोटी बहन, बड़ा, बड़ा में भी यही लिखा जा सकता है, बड़ा पेड़, बड़ी शाखा या बड़ी पेंसिल, बड़ी मेज, कुछ भी लिख सकते हैं आप। बड़ी शाखा, शाखा क्या होती है बच्चों? जो पेड़ की टहनी होती है उसको शाखा बोला जाता है। मीठे होते गन्ने गोल, मीठा होता शक्कर पारा। गन्ने शब्द से में एक साथ आधा ना
और पूरा ना का प्रयोग किया गया। ऐसे ही शक्कर पारा में भी आधा क और पूरा क का प्रयोग किया गया है। आप भी इसी तरह से कुछ शब्द लिखने हैं, तो इस तरह से बहुत से शब्द हैं जिनमें आधा और उसके बाद वही पूरा वर्ण आता है। तो आप यहां पर देखिए, जैसे हमने लिखा कच्चा, पक्का, छल्ला, मुन्ना, तो इस तरह से हम इसको कार्य को पूर्ण कर लेंगे। और आपका वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।